Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fit and fine, right? So once again I'm here, but today I'm going to teach you GK. So आप clear हो जा, आप confused नहीं होना. मैं आपको computer भी पढ़ाऊँगी and GK, okay? So अभी तो आपको मैं GK पढ़ाने वाली हूँ. So be ready for your GK, GK and open your book. फटाफट आप अपना बुक लेकर आओ, कॉपीज पेंसिल एवरीथिंग आपके पास होने चाहिए, ठीक है. एंड दिस इज माय बुक, ये मेरा बुक है, मेरा बुक मेरे पास है एंड आई होप आप सबका भी बुक आपके पास होगा, राइट. सो आज हम लोग जीके में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे एंड जानेंगे, कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे. जस्ट लाइक हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, ओके, यूनिट नंबर वन, उसमें हमें क्या पढ़ना है, और नेचुरल नेचर वर्क मीन्स प्रकृतिक का सैर, मीन्स हमारी प्रकृतिक, हमारे नेचर में क्या है, कैसा है, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा 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 हम लोग इन्फॉर्मेशन अभी आज गेन करने वाले हैं, ओके. सो नाउ ओपन योर बुक, आप अपना बुक ओपन करो, ताकि हम बुक से पढ़ाई करने वाले हैं तो आपको भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि मैम कहाँ से बता रही है. आपके पास बुक होनी चाहिए. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. तो हम पहले फर्स्ट यूनिट में हमें किस किस चीज़ के बारे में पढ़ने को मिलेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना है. फर्स्ट वन इज़ पेंगुइन. आपने पेंगुइन का नाम सुना होगा, राइट. तो पेंगुइन क्या है, कहाँ पाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. सॉरी, पेंगुइन अ सी बर्ड इज फाउंड इन द अंटार्कटिका. ये क्या है, एक समुद्री चिड़िया है जो कि अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, ठीक है, इंडिया में नहीं, अंटार्कटिका में पाए जाते हैं. इट कैन नॉट फ्लाई बट यूजेस इट्स विंग फॉर स्विमिंग. मीन्स ये क्या है, ये उड़ नहीं सकता लेकिन अपने पंख को स्विमिंग के लिए यूज़ कर सकता है. इट वॉक ऑन इट्स टू टिन लेग, वो अपने पैरों से, उसके जो दो छोटे छोटे पैर होते हैं वो उससे वो चलते हैं, ठीक है. तो पेंगुइन क्या है, पेंगुइन जो है एक सी बर्ड है जो कि हमें मिलता कहाँ है, अंटार्कटिका में. एंड इट कैन नॉट फ्लाई, वो उड़ नहीं सकता, बट यूज़ इट्स विंग फॉर स्विमिंग, मतलब उसके पास पंख होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकता. उस पंख का वो यूज़ कहाँ करते हैं, स्विमिंग के टाइम उस पंख का वो यूज़ करते हैं. एंड वो वॉक करते हैं, वो चलते कैसे है, उसके दो छोटे छोटे पैर होते हैं उससे वो चलते हैं. जिसके किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, पेंगुइन के बारे में. आप फिगर देख सकते हो, आप ये फिगर कई बार देखे होगे, राइट. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट इज इंसेक्ट. अब ये इंसेक्ट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. क्या दिया है, ऑल इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग एंड टू एंटीना टू सेंस द वर्ल्ड अराउंड देम. जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके छह पैर होते हैं, ठीक है, सिक्स लेग्स होते हैं एंड टू एंटीना. एंटीना जो ऊपर से उनका जो ऐसे साइड में निकला हुआ रहता है ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं एंटीना. वो क्या होता है, वो उनका एक सेंसिंग ऑर्गन होता है जिसके वजह से वो अपने मीन्स उनके आसपास में क्या हो रहा है वो सारी चीज़ को वो उस एंटीना के हेल्प से समझते हैं, ठीक है. उनके लिए, इंसेक्ट के लिए वो उनका सेंस ऑर्गन है, ठीक है. जैसे हमारा जो सेंस ऑर्गन है वैसे ही जो इंसेक्ट होते हैं उनका सेंस ऑर्गन में एक एंटीना भी आता है. और जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके कितने लेग्स होते हैं, सिक्स. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज ट्री. आप ट्री के बारे में पढ़ते हैं, द ट्री ट्रंक ग्रोज अ न्यू लेयर ऑफ फूड ईच ईयर. जो ट्री होता है, ट्री का जो ऊपर हम लोग जो देखते हैं उड़ीसा होता है लकड़ी, वो हर साल ग्रो करता है और एक नया लेयर आता है उसमें, ठीक है. तभी तो देखते हो ना ट्री कितने मोटे मोटे होते हैं, पहले पतले होते हैं फिर वो मोटे हो जाते हैं, तो हर साल उनके ऊपर एक एक लेयर होते आता है. वी कम टू नो द एज ऑफ ट्री बाई कटिंग थ्रू इट्स ट्रंक एंड काउंटिंग द रिंग इन साइड इट. अब ये क्या बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा है कि हम लोग ना ट्री का एज पता कर सकते हैं कैसे, जब ट्री को हम कट करते हैं, ठीक, तो जब ट्री कट होता है तो वहाँ पे ना एक रिंग टाइप आपको दिखता होगा, उस रिंग को हम
सकते हैं कि इस ट्री का एज क्या हुआ है, है ना इंटरेस्टिंग? ठीक है, तो उस रिंग को हम लोग काउंट करके उसके बारे में पता कर सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बर्ड्स. अब हम चिड़िया के बारे में पढ़ते हैं. पहले हमने क्या पढ़ा, पेंगुइन के बारे में, जो कि सी बर्ड होता है एंड अंटार्कटिका में पाए जाते हैं. एंड उसके पास वो फ्लाई नहीं कर सकते, बट वो अपने विंग्स का यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं, स्विमिंग के लिए. ठीक है, एंड उनके दो छोटे छोटे पैर होते हैं जिससे वो वॉक करते हैं. ये हमारा फर्स्ट था. सेकेंड क्या था, इंसेक्ट. इंसेक्ट जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके 6 लेग्स होते हैं एंड 2 एंटीना होते हैं. उस एंटीना से उनका सेंस ऑर्गन जो है जिसके हेल्प से वो आसपास के बारे में उनको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज ट्री. ट्री का क्या है, ट्री का हर साल एक एक लेयर उसके ऊपर आता है, तभी तो वो धीरे धीरे मोटे होते जाते हैं. एंड जब ट्री कट होता है तो कटिंग के बाद एक रिंग टाइप दिखता है, ऐसा कुछ इस तरह का दिखता है, जिसके हेल्प से आपको उस ट्री का एज पता लग सकता है कि वो ट्री कितने साल का है जो कि कट चुका है. ठीक है, तो ये भी इंटरेस्टिंग था. एंड द लास्ट पॉइंट इज बर्ड. अ बर्ड्स बोन्स आर होल एंड फील्ड विद एयर. जो बर्ड्स के जो बोन होते हैं वो थोड़े से मंस वो होल्स होते हैं, खोखले होते हैं, एंड वो पूरी तरह से एयर से फील रहता है. दीज होल्स बोन्स मेक देम लाइट येट स्ट्रॉन्ग. वो जो होल्स जो होते हैं उसके बोन्स में, वो क्या करता है, उसको लाइट रखता है एंड स्ट्रॉन्ग भी रखता है. ठीक है, दस बर्ड्स फ्लाई सो ग्रेसफुली मैनी हाई इन स्काई. जिसके कारण से जो बर्ड आप देखते हो कि बहुत ऊंचा ऊंचा वो फ्लाई करता है, तो वो उसी के कारण से वो बहुत ही ग्रेसफुली, बहुत ही आसानी से अपने बॉडी को, अपने आप को ऊपर तक उड़ा के ले जा सकती है एंड वो उड़ती है बहुत ऊंचाई तक. ठीक है, तो हमें एक और चीज़ बर्ड के बारे में पता चला कि जो उनके बोन्स होते हैं वो हॉलो रहते हैं एंड फील विद एयर, एयर से फील रहते हैं, राइट. एंड उनके बोन्स होते हैं बहुत लाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं. ठीक है, सो हमें जो थोड़ा सा नेचर के बारे में पता चला है, जो इतना सारा पेंगुइन, इंसेक्ट, ट्री एंड बर्ड्स के बारे में, जो कि आप भी मुझे बताओगे जब मैं आपसे पूछूंगी कि अच्छा ट्री के बारे में बताइए, तो आपको बताना होगा. फिर मैं आपसे पूछूंगी अच्छा इंसेक्ट के बारे में बताओ, तो भी आपको बताना होगा. सो लिसन वेरी केयरफुली. ठीक है, एंड रीड द चैप्टर. इसके बाद आप लाउडली इस चैप्टर को रीड करोगे, उसमें कोई डाउट्स होंगे तो आप उससे अभी पूछोगे. एंड अगर डाउट्स नहीं है तो आप पेज को टर्न करोगे एंड उसमें चैप्टर वन है, योर क्लास वर्क इज एनिमल्स वर्ल्ड. अभी आपको ये एनिमल्स को देखनी है एंड साइड में हेल्प के लिए कुछ सारे एनिमल्स के नाम दिए हैं एंड आपको उसमें से पिक करना है कि कौन सा एनिमल कौन है. ठीक है, उस एनिमल्स के पिक्चर के नीचे आपको नाम डालना है एंड फटाफट आप उसको बना के उसका फ़ोटो क्लिक करके आप मुझे सेंड करोगे और उसके बाद मैं करेक्ट आंसर आपको सेंड करूँगी. ठीक है.